दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हो, इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ काफी पर्सन के कुछ इस तरह के कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। वो ये कहते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर जब हम जाते हैं और रील्स को स्क्रॉल कर करके वॉच करते हैं, तो जैसा हमारा जिस वक्त मूड होता है उस मूड के अकॉर्डिंग हमारे सामने रील्स वीडियो आती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे पता चलता है इंस्टाग्राम को कि हमारा मूड अभी किस टाइप का है और उसी टाइप की रील्स आपके सामने आने लगती हैं। तो जैसे कि किसी की शादी है, अब वो शादी की वीडियोस वगैरह देखता है तो उसके सामने जो है शादी की ही वीडियो आती रहती हैं, या फिर जो है किसी को बेबीज़ की पसंद है, यानी कि बच्चे वगैरह पसंद है, तो उसके सामने बच्चों की जो है यहाँ पर रील्स आती रहती हैं, या फिर किसी को शायरी पसंद है तो उसमें जो है उसके सामने शायरी की वीडियो आती रहती हैं। तो काफ़ी लोगों का सवाल है कि जैसा हमारा मूड होता है, जैसी हमें चीज़ें मतलब यहाँ पर पसंद आती हैं या जिस मूड में हम बैठे हुए होते हैं स्क्रॉल कर कर के वीडियो को देखते हैं, तो उसी टाइप की रील्स वीडियो हमारे सामने कैसे आ जाती हैं, ये सवाल है उनका। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जवाब देने वाला हूँ और सही जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं IG हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम को कैसे पता चलता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, यानी कि आपको क्या चीज़ पसंद है, कैसी चीज़ आप पसंद कर रहे हो। तो उसके लिए जो है मैं आपको बता दूं, देखो ये कैसे पता चलता है, इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम होता है उसको पता चल जाता है। या तो आप कोई वीडियो लाइक कर देते होंगे, या फिर आप जो है कोई अकाउंट फॉलो कर देते हो उस टाइप का जिस टाइप की आप पसंद करते हो, तो उससे आपका जो इंटरेस्ट है वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम समझ जाता है कि आपको किस तरह किस टाइप की वीडियो या फिर किस तरह का अकाउंट किस तरह का कंटेंट पसंद है, तो फिर वो उसी टाइप की चीज़ें आपके पास में सजेस्ट करता है और आपके पास में वही चीज़ें आती रहती हैं। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट टाइम में इंस्टाग्राम को ओपन किया, अब आप रील्स के सेक्शन में गए और वहाँ से आप वीडियो को इस तरह से स्क्रॉल करके देख रहे हो। अब कुछ रील्स की वीडियो तो ऐसी आ रही हैं जिनको आप जो है एकदम से स्वैप कर देते हो, एकदम से हटा देते हो, और कुछ रील्स ऐसी हैं जो कि आप उसको पूरा देखते हो। अब पूरा देखते ही इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम समझ जाता है कि ये रील्स इस बंदे को पसंद आई, तो वहीं से आपका इंटरेस्ट उसको पता चल जाएगा। अब वो आपके पास में आपके सामने इसी तरह की रील्स सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब उसी बीच में क्या होगा कि कुछ रील्स को आप लाइक भी कर देते हो, तो लाइक से उसको और पता चल जाएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरह की रील्स में है। अब यहाँ पर आपका इंटरेस्ट जैसे ही वो समझ जाएगा तो उसी तरह की वीडियो आपके सामने आने लग जाती हैं। ये इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम होता है और वो इसी तरीके से काम करता है। आपका जो इंटरेस्ट बेस होता है उस पर वो जो है फोकस कर लेता है, एकदम उसको देख लेता है और एकदम से आपके सामने फिर उसी तरह की वीडियो आने लग जाती हैं। तो इस तरह का एल्गोरिदम होता है ये इंस्टाग्राम का, जो कि हमारी जो है जो हमारा मूड है, जो हमें चीज़ पसंद है वही चीज़ हमारे सामने आने लगती है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।